नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। अब रुक करेंगे बिहार की बड़ी खबरों का। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कटिहार के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजेश यादव के परिजनों से मुलाकात की और आपको बता दें कि राजेश यादव की बीते दिनों कुछ अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वही दिवंगत राजेश यादव के परिजनों से मिलते हुए पप्पू यादव ने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की, साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर जमकर जुबानी वार करते हुए कहा कि आखिर पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा और कानून इतना कमजोर क्यों हो गया है और इस हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक आखिर क्यों नहीं हो पाई है। पूरे साम्राज्य पर जमीन माफियाओं का दबदबा हो गया है, सिर्फ कटिहार ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की यही स्थिति है। अधिकारियों और दलाल के मिलीभगत से लोगों की जमीनों को हड़प लिया जा रहा है। न्याय कब मिलेगा, कानून इतना कमज़ोर क्यों पड़ गया, इकबाल का डर क्यों हो गया, ये समझ में नहीं आता। इकबाल क्यों ख़त्म हो गया है, मुझको लगता है कि मैं जो बार बार कहता हूँ, ये जो पूरे साम्राज्य का पर कब्जा हो गया है ज़मीन माफियाओं का, CICO, DCLR, ADF और इधर नेता और इधर माफिया, पूरा एक शहर नहीं, शहर का शहर माफियाओं की गिरफ्त में है। अगली खबर नालंदा से है, जहां मां लक्ष्मी की प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल की घटना सामने आई। मां लक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन के दौरान गोलीबारी और चाकूबाजी हुई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति जख्मी भी हो गया है। दरअसल देर रात प्रतिमा विसर्जन के लिए मंटू पासवान और अवधेश कुमार जा रहे थे। इसी दौरान खीरू विगहा से आगे पहले से घात लगाए हुए कुछ लोगों ने गाड़ी रुकवा कर गोलीबारी और चाकूबाजी करना शुरू कर दिया, जिसमें मंटू पासवान के चेहरे पर गोली लगने से स्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। इसी दौरान खीरू विगहा से आगे पूर्व से घात लगाए कुछ लोग गाड़ी रुकवा कर गोलीबाजी और चाकूबाजी करना शुरू कर दिए, जिसमें एक व्यक्ति को चेहरे पर गोली लगी है और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है, जबकि अवधेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही सूचना मिलते ही घटनास्थल पर हिलसा थाना पुलिस और नगर नौसा थाना पुलिस पूरे दलबल के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। घर से निकला था वो जो घर से कितना बजे निकले थे? हमने निकला शाम में, उसके बाद सब आया वापस। हाँ, बाद तो सुने कि ऐसा ही हो गया है घटना। सुने तो कहाँ से घटना हुआ था? खीरू बिगा गांव में जा रहे थे, जा रहे थे लहंदा के पास। उस समय इस जगह गए तो गाड़ी रास्ता में रोकी, फिर गाड़ी में से तीर लीस। कितने संख्या में थे? वही 10-15 लोग थे, बाकी कौन कौन थे? राजा थे, किंग महेंद्र थे, सोमनाथ थे, बिच्छी थे, राहुल कुमार, दिनेश और बिदुर। सोसराय थाना क्षेत्र के मंसूर नगर मोहल्ले में बीजेपी नेता अनिल मुखिया के घर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं उस घटना के संबंध में अनिल मुखिया ने बताया कि छठ पूजा को लेकर वो अपने पूरे परिवार के साथ एक कार्यक्रम में गए थे, जिसके कारण मंसूर नगर मोहल्ले स्थित मकान में अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम देते हुए 64,000 नकद और सोने के आभूषण समेत 35 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है। नारियल वितरण करने के लिए गए हुए थे और छठ पूजा में घाट वगैरह निरीक्षण करने का रहता है, घाट घाट पर जाने का रहता है, तो वहाँ गए हुए थे, क्षेत्र में ही थे। कितने की चोरी हुई, क्या क्या ले गया? तकरीबन 25-30 से 35 के बीच में। अच्छा, लाख लाख क्या क्या ले गया? एक सोने का चैन, एक मंगलसूत्र प्योर गोल्ड का, इसके बाद 10 ठो अंगूठी। पहले तो हम प्रशासन से ही सहयोग करते हैं कि बराबर हर साल ऐसा होता है। पिछले साल भी मगध कोले में 3 घर में हुआ था, उसके पहले भी एक उठो हो गया था मगध कोले में चोरी। तो बराबर कोई भी ना कोई कोई घर में नहीं रहता है, तो आदमी जानता है क्या करता नहीं करता, वाकई चोरी कर लेता, डकैती कर लेता है।
बराबर ऐसा घटना हो रहा, हर साल ऐसा हो रहा। कितने की चोरी है, किनका घर है? 30-35 ये रामचंद्र कुमार का कथराई पंचायत के मुखिया है और इनका कम से कम 30-35 लाख का जेवर गहना जो भी था। छठ महापर्व को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपने घर पहुंचे थे, तब भी देश भर में ट्रेनों की स्थिति ऐसी थी मानो लोग उसमें ठूस ठूस कर अपने अपने घर जा रहे थे। वहीं अब जब छठ महापर्व का समापन हो चुका है तब भी प्रवासी मजदूर अपने कामकाज पर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में बिहार की ट्रेनों में आलम यह है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर यात्रा करने को मजबूर है। जनरल बोगी में तो सही से खड़े होने की भी जगह नहीं है, फिर भी लोग अपने प्रदेश जाने को मजबूर है। ये तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन सामने आई, जहां कुछ दिनों पहले लोग प्रदेशों से आ रहे थे तब ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई थी। अब जब लोग अपने प्रदेश वापस कामकाज पर लौट रहे तो फिर ट्रेनों में भारी भरकम भीड़ देखने को मिल रही है। खबर नालंदा से है, जहां अक्षय नवमी के मौके पर मंगलवार को आंवले के पेड़ के नीचे महिलाएं और कन्याओं की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान महिलाओं ने परिवार की सुख शांति के लिए आंवला के पेड़ की पूजा की है। और आपको बता दें कि परिवार में सुख समृद्धि के लिए रखे जाने वाला ये व्रत मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा के लिए खास माना जाता है। कहा जाता है कि आंवले के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का वास है, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।